गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम सबसे पहले इस वज्र धारा मापी का परिवर्तन गुणांक का मान किस प्रकार से निकालते हैं ये ज्ञात करेंगे। उसके पश्चात हम कुछ इस वज्र धारा मापी से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्नों का हम यहाँ पर हल करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ये इस वज्र धारा मापी का परिवर्तन गुणांक क्या है। इसी परिभाषा को एक बार हम और समझ लेते हैं। हमको मालूम है जब इस वज्र धारा मापी की कुंडली में आई धारा प्रवाहित होती है तो उसमें उत्पन्न उसकी कुंडली में उत्पन्न विक्षेप थीटा होता है। तो I इक्वल टू के टेन थीटा, ये हम पहले निकाल चुके हैं, जहां पर K को कहा जाता है परिवर्तन गुणांक कहा जाता है, समझ आ रहा है। अर्थात हम जब किसी कुंडली में I धारा प्रवाहित करते हैं, ये इस टाइप पर आता है इसकी बनावट जो है, यहां पर चुंबकीय सुई रहती है, इसमें I धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चुंबकीय सुई में उत्पन्न विक्षेप यदि थीटा है तो I बराबर होता है K टेन थीटा, जहां पर K को कहा जाता है धारा मापी का परिवर्तन गुणांक। हम इसको परिभाषित करते हैं, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री, अर्थात इसको अपन इस टाइप कर सकते हैं, यदि टेन थीटा इक्वल टू 1 तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री, अर्थात तब I बराबर K, अर्थात ये जो चुंबकीय सुई में विक्षेप यदि 45 डिग्री प्राप्त होता है तो कुंडली में प्रवाहित धारा का मान ही इस कुंडली का क्या हो जाएगा, परिवर्तन गुणांक हो जाएगा। हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, अतः इस वज्र धारा मापी का परिवर्तन गुणांक एम्पियर में नापी गई उस धारा के बराबर होता है जो कुंडली में प्रवाहित होने पर बीच में उपस्थित चुंबकीय सुई में 45 अंश का विक्षेप उत्पन्न कर दे, तो ये प्रवाहित धारा ही इस वज्र धारा मापी का परिवर्तन गुणांक होगा। इसकी जो इकाई है एम्पियर में मापा जाता है। एक बार और मैं बता दूं, इस वज्र धारा मापी का परिवर्तन गुणांक एम्पियर में नापी गई उस धारा के बराबर होता है जो कुंडली में प्रवाहित होने पर उसके केंद्र में उपस्थित सुई पर 45 अंश का विक्षेप उत्पन्न कर दे। कहने का मतलब यह है कि कितनी धारा प्रवाहित हो कि चुंबकीय सुई में 45 डिग्री का विक्षेप उत्पन्न हो, तो हम कहेंगे कि जो धारा प्रवाहित हो रही है वही इस धारा मापी के परिवर्तन गुणांक के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम परिवर्तन गुणांक को परिभाषित कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ये इस वज्र धारा मापी का जो परिवर्तन गुणांक का मान किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले अपन इसके लिए सूत्र की स्थापना करेंगे। यदि इस वज्र धारा मापी की कुंडली में यदि इस वज्र धारा मापी की कुंडली में आई धारा I विद्युत धारा अगर I एम्पियर की विद्युत धारा हम प्रवाहित करते हैं
तो क्या होगा यदि करते हैं तो उसकी चुंबकीय सुई में उत्पन्न विक्षेप थीटा है। यदि हम स्पर्श्य धारा मापी की कुंडली में क्या करते हैं आई धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके जो चुंबकीय सुई है केंद्र पर रखा हुआ चुंबकीय सुई है उसमें यदि उत्पन्न विक्षेप थीटा हो तो आई बराबर के टेन थीटा। आई प्रवाहित धारा है के परिवर्तन गुणांक है और थीटा क्या चीज है चुंबकीय सुई में उत्पन्न विक्षेप है या इसको लिखा जा सकता है के बराबर हमको क्या निकालना है के का मान निकालना है तो के बराबर हो जाएगा आई अपान टेन थीटा। तो इस सूत्र के द्वारा हम इस स्पर्श्य धारा मापी का परिवर्तन गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए प्रवाहित धारा का मान आई का मान मालूम होना चाहिए चुंबकीय सुई में उत्पन्न विक्षेप थीटा का मान हमको ज्ञात होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ हमको मालूम है तो निश्चित तौर पे इस समीकरण नंबर एक की सहायता से के का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक परिपथ तैयार कर लेते हैं इस प्रकार से हम यहाँ पर एक परिपथ तैयार करते हैं सबसे पहले अपन क्या करते हैं उपकरण को स्पर्श्य धारा मापी को हम चुंबकीय याम्योत्तर में एडजस्ट करते हैं। पहला काम हम स्पर्श्य धारा मापी को कैसा करते हैं चुंबकीय याम्योत्तर में समायोजित करते हैं। फिर परिपथ के अनुसार हम इस प्रकार से परिपथ तैयार करते हैं यहाँ पर ई सेल है ए अमीटर है आर एच धारा नियंत्रक है के दिक परिवर्तक है। सबसे पहले हमने क्या किया स्पर्श्य धारा मापी को हमने चुंबकीय याम्योत्तर में समायोजित किया। फिर उसके पश्चात चित्र में दिखाए गए परिपथ हम तैयार करते हैं। ई सेल है ए अमीटर है ये टेंजेंट गैल्वेनोमीटर धारा मापी है ये दिक परिवर्तक है और आर एच धारा नियंत्रक है। इसके पश्चात हम क्या करते हैं एक प्लग दो प्लग तीन ये चार इस प्रकार से दिक परिवर्तक में प्लग रहता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे आमने सामने के प्लग को लगा देते हैं
वन को लगाया और थ्री को लगाया। आमने सामने को प्लग को जब लगाते हैं तब धारा मापी में धारा प्रवाहित होने लगेगी। जैसे ही धारा मापी में धारा प्रवाहित होती है उसके पश्चात उसके जो केंद्र में रखे हुए चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। इस टाइप का है चुंबकीय आमतर्म, इसको एडजस्ट किए, यहाँ पर चुंबकीय सुई है, इसकी इस टाइप की इसकी बनावट होती है, हम पहले अच्छे से इसको देख चुके हैं। इसमें विक्षेप पैदा होगा क्योंकि इसकी बनावट इस प्रकार से होती है, 0 to 90 चार बराबर भागों में बढ़ रहा था, ये चुंबकीय सुई है और ये संकेतक होता है। तो संकेतक के दोनों सिरों का पाठ्यांक थीटा वन और थीटा टू हम नोट करते हैं। सबसे पहला काम क्या किया, 1-3 विपरीत आमने सामने के प्लग को लगाए, कुंडली में टेंजेंट स्पर्शजा धारा बांपी में धारा प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी तो निश्चित तौर पर कुंडली में विक्षेप पैदा होगा, साथ ही साथ कुंडली में विक्षेप पैदा नहीं होगा, चुंबकीय सुई में विक्षेप पैदा होगा, चुंबकीय सुई में विक्षेप पैदा होगा। तो उस विक्षेप को हम नोट करते हैं, संकेतक के दोनों सिरों का पाठ्यांक को हम नोट करते हैं, तो ये हमको थीटा वन थीटा टू प्राप्त होता है। अब इसके पश्चात हम क्या करते हैं, 2-4 प्लग, 2-4 को ये आमने सामने की दो प्लग और हैं इसको लगा देते हैं। इसको लगाने के पश्चात पुनः धारा मापी में धारा प्रवाहित होती है, धारा मापन में धारा प्रवाहित होने के फलस्वरूप केंद्र पे रखे चुंबकीय सुई पर पुनः विक्षेप पैदा होता है। फिर इसको हम नोट करते हैं, सबसे पहले अपन थीटा वन थीटा टू नोट किए, उसके पश्चात क्या करते हैं थीटा थ्री थीटा फोर। जब धारा की दिशा को बदल ली जाती है तब धारा की दिशा जब बदल जाती है तो विक्षेप भी हमको दूसरी दिशा में प्राप्त होगा, उसको भी हम नोट करते हैं, इसका मान थीटा थ्री थीटा फोर हो जाता है। इसके द्वारा हम दिक् परिवर्तक के द्वारा बदल देते हैं, ये दिक् परिवर्तक के द्वारा हम धारा की दिशा को हम क्या कर देते हैं, बदल देते हैं और ये थीटा थ्री थीटा फोर हम ज्ञात करते हैं। चूंकि हम थीटा वन थीटा टू निकाल लिए, थीटा थ्री थीटा फोर निकाल लिए, अब क्या करते हैं इसका माध्य निकाल लेते हैं। इसका माध्य जो है थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री प्लस थीटा फोर अपान फोर। माध्य किसका निकाल रहे हैं अपन, जब 1-3 को लगाए तब रिजल्ट आया थीटा वन थीटा टू, जब प्लग 2-4 को लगाए तब थीटा थ्री थीटा फोर आया, सबका एवरेज हम निकाल लेते हैं, थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री प्लस थीटा फोर, तो ये I के लिए विक्षेप थीटा होगा। यह माध्य जो है क्या होगा, विद्युत धारा, इसका जो माध्य होगा ये माध्य हमको क्या प्राप्त होगा, थीटा प्राप्त होगा, और ये जो है थीटा जो है विद्युत धारा आई के लिए चुंबकीय सुई में उत्पन्न विक्षेप होगा, विक्षेप का मान होगा। आई धारा के लिए थीटा, इसका जो हम माध्य निकालेंगे ये हमको थीटा प्राप्त होगा, और ये जो थीटा होगा विद्युत धारा आई के लिए चुंबकीय सुई में उत्पन्न विक्षेप के बराबर होगा। अब हम आगे क्या करते हैं, थीटा का मान तो हम निकाल लिए, आई का मान हम एमीटर से पढ़ लेंगे, प्रवाहित धारा का मान कितना है ये हम यहाँ पे लगे हुए एमीटर के द्वारा हम नोट कर लेते हैं। फलस्वरूप के बराबर आई टेन थीटा में हम, क्योंकि आई का मान हमको एमीटर से प्राप्त हो गया,
थीटा का मान हमको कहाँ से प्राप्त हो गया, चुंबकीय सुई के विक्षेप का हमने एवरेज निकाला, तो आई और थीटा का अगर मान हमको ज्ञात हो जाता है तो हम इस सूत्र के द्वारा के का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके आगे हम क्या करते हैं, धारा नियंत्रक के द्वारा धारा के मान को बदल देते हैं, आई के मान को बदल देते हैं। आई के मान को जब बदलते हैं तो निश्चित तौर पे थीटा का मान भी बदलते जाता है। इस प्रकार से हम आई के मान को बदलते जाते हैं, थीटा का मान बदलता जाता है। चूंकि आई और थीटा का मान बदलेगा तो के का मान बदलेगा। इस प्रकार से जितने भी के का मान आता है सबका हम एवरेज निकाल लेते हैं, उसका औसत निकाल लेते हैं, और जो औसत प्राप्त होगा वही इस प्रज्ञा धारा मापी का परिवर्तन गुणांक के बराबर होगा। तो इसके लिए हम प्रेक्षण सारणी बना लेते हैं। पहला अमीटर का अल्पतमांक लिस्ट काउंट, एम्पियर, फिर दूसरा हम इस प्रकार से ऐसा चार्ट बना लेते हैं ऐसा, क्रमांक, फिर यहाँ पर आ जाएगा धारा, धारा आई का मान एम्पियर में, आई चुंबकीय संकेतक के पाठ्यांक, जो चुंबकीय सुई के साथ जो एल्युमिनियम का जो संकेतक लगा रहता है उसका पाठ्यांक संकेतक का पाठ्यांक, इसका जो पाठ्यांक है थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री, थीटा फोर, सबका माध्य पाठ्यांक थीटा बराबर थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री प्लस थीटा फोर अपॉन फोर। आई और थीटा का मान मालूम है तो के बराबर आई बटे टेन थीटा। इस प्रकार से हम प्रेक्षण सारणी बना लेते हैं। एक क्रमांक आ जाएगा इस टाइप का, दो तीन चार जो भी है। धारा का मान हम अमीटर से नोट करेंगे। अमीटर में जब धारा प्रवाहित होती है तब एक और तीन प्लग को लगाएंगे तो थीटा वन थीटा टू प्राप्त होगा, फिर दो और चार को लगाएंगे तो थीटा थ्री थीटा फोर प्राप्त होगा, विपरीत दिशा में विक्षेप प्राप्त होगा। सबको नोट करेंगे, माध्य निकाल लेंगे, तो के का मान इस समीकरण इस सूत्र से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। फिर क्या करेंगे, फिर धारा के मान को इस धारा नियंत्रक के द्वारा हम बदल देते हैं। धारा का मान चेंज हो जाएगा तो थीटा वन थीटा टू ये सब चेंज हो जाएगा, तो के का मान जो आएगा उसको नोट करना है यहाँ पर। इस प्रकार से के का भी हम यहाँ पर औसत निकाल लेते हैं। तो ये हो गया इस प्रज्ञा धारा मापी का परिवर्तन गुणांक का मान ज्ञात करने के लिए प्रेक्षण सारणी। अब हम सावधानी देखते हैं, क्या क्या सावधानी हमको बरतनी चाहिए ज्ञात परिवर्तन गुणांक ज्ञात करते समय।
स्पर्शा धारा मापी का परिवर्तन गुणांक ज्ञात करते समय हमें इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला है, स्पर्शा धारा मापी को एक बार हम समायोजित किए हैं तो समायोजन के पश्चात स्पर्शा धारा मापी को हिलाना नहीं चाहिए। स्पर्शा धारा मापी को अर्थात हमने एक बार उसको चुंबकीय आवर्तन में एडजस्ट किया तो वो उसी कंडीशन में उसको हमको रखना है, हिलाना नहीं है। एमिटर को धारा मापी से दूर रखना चाहिए। दूसरा है, एमिटर को धारा मापी से दूर रखना चाहिए। ये अमीटर और धारा मापी में काफ़ी डिस्टेंस होना चाहिए, पास पास नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये रिजल्ट को प्रभावित कर सकता है। संयोजी तार के सिरे व पेंच साफ होने चाहिए। जो संयोजी तार है संयोजी तार जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, किस प्रकार का तार है और जो पेंच लगे हुए होते हैं वो अच्छी तरह से साफ होना चाहिए। चौथा है, संकेतक का दर्पण पर बने प्रतिबिंब एक दूसरे के संपाती होना चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सावधानी है जिसका हमको ध्यान रखना है। चौथी सावधानी जो मैंने बताया, संकेतक तथा दर्पण पर बने प्रतिबिंब संपाती होना चाहिए। हमने देखा जो दिक्सूचक बाक्स होता है वहाँ पर संकेतक के नीचे वाले भाग में दर्पण लगा हुआ होता है। जब रिजल्ट हमको सही ढंग से लेना है तो उसके लिए क्या चाहिए, हम ऊपर से ऐसा देखते हैं जो संकेतक का जो प्रतिबिंब है दर्पण पर वो हमको दिखाई नहीं देना चाहिए। अगर वो दिखाई नहीं दे रहा है इसका मतलब बिल्कुल हम एक दूसरे के संपाती है, तो जो रिजल्ट हमको प्राप्त होगा वो एक्यूरेट प्राप्त होगा, एकदम सही प्राप्त होगा। इस प्रकार से इन सावधानी, चार सावधानियां हैं जिसको ध्यान में रखते हुए हमको परिवर्तन गुणांक का मान ज्ञात करना चाहिए। तो ये चार सावधानियां के अलावा एक और महत्वपूर्ण सावधानी है, चुंबकीय पदार्थ को आसपास नहीं होना चाहिए। अगर चुंबकीय पदार्थ आसपास होगा तो निश्चित तौर पे रिजल्ट को प्रभावित करेगा। इस प्रकार से इन पांच सावधानियों को ध्यान में रखते हुए हमको स्पर्शा धारा मापी के परिवर्तन गुणांक के को ज्ञात करना चाहिए।
अब हम स्पर्शीय धारामापी से संबंधित एक आंकिक प्रश्न को हल करते हैं। एक स्पर्शीय धारामापी की कुंडली की त्रिज्या शून्य दशमलव दो मीटर है। कुंडली में फेरों की संख्या 50 है, उसमें 50 फेरे हैं। उसमें कितनी धारा प्रवाहित करें? करें कि चुंबकीय सुई में विक्षेप 30 हो जाए। करें कि चुंबकीय सुई में कितने का विक्षेप पैदा हो? 30 डिग्री का। प्रवाहित करें कि चुंबकीय सुई में 30 अंश का विक्षेप हो। ये एक आंकिक प्रश्न है, प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है। एक स्पर्शीय धारामा की कुंडली की त्रिज्या 0.2 मीटर है, उसमें 50 फेरे हैं, उसमें कितनी धारा प्रवाहित करें कि चुंबकीय सुई में 30 अंश का विक्षेप हो? यहाँ पर दिया हुआ है H पृथ्वी की क्षैतिज तीव्रता है, ये दिया हुआ है 3×10⁵ टेस्ला। ये मान ऑलरेडी दिया हुआ है। सबसे पहले हम सूत्र लिख लेते हैं, कौन सा सूत्र इस्तेमाल करेंगे? I बराबर होता है के टेन थीटा, या आई बराबर होता है के का मान, के जो है धारा मापी का परिवर्तन गुणांक है, इसका मान होता है 2RH/μ0N, 2RH/μ0N टेन थीटा। तो हमें ये सूत्र इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या क्या प्रश्न में दिया हुआ है। R कुंडली की त्रिज्या है, कुंडली की त्रिज्या यहाँ पर दिया हुआ है 0.2 मीटर। R बराबर दिया हुआ है 0.2 मीटर, 50 फेरे हैं, फेरे मीन्स n, n इक्वल टू है 50 फेरे। उसमें कितनी धारा प्रवाहित करें, हमको क्या निकालना है? धारा का मान निकालना है, I का मान ज्ञात करना है, I का मान हमको निकालना है। चुंबकीय सुई में 30 अंश का विक्षेप उत्पन्न हो, इसका मीन, इसका मतलब थीटा बराबर दिया हुआ है 30 अंश, R दिया है, N दिया है, थीटा का मान दिया हुआ है, प्रश्न में ऑलरेडी दिया हुआ है पृथ्वी की क्षैतिज स्थिरता H इक्वल टू 3×10³ टेस्ला। यहाँ पर एक और नियत राशि म्यू जीरो रह गया है, इसका मान होता है, म्यू जीरो का मान होता है 4×10⁷ हेनरी प्रति मीटर।
ये सभी चीजें दी गई यहाँ पर, आर का मान दिया है, एच का मान दिया है, म्यू जीरो का मान हमको पता है, एन का मान दिया हुआ है, थीटा का मान दिया हुआ है। इस पूरे मान को हम इस समीकरण में, इस सूत्र में रख देते हैं, तो आई बराबर होगा दो गुणित आर का मान दिया है 0.2 गुणित एच का मान दिया हुआ है 3 गुणित 10^3 5 टेस्ला दिया हुआ है यहाँ पर, ये 5 है ये, अपान म्यू जीरो का मान हमको मालूम है 4π गुणित 10^7 होता है, 4π गुणित 10^7 गुणित और क्या बच गया एन, कुल फेरों की संख्या कितनी है यहाँ पर 50 है, और टेन 30° बराबर, इसको आगे हल कर देते हैं, तीन दो छः, छः दो 12, 1.2 क्रॉस 10^-7 ऊपर चला जाएगा, तो 10^ क्या हो जाएगा +7 हो जाएगा, तो बचेगा ये 10^2 अपान 4 × 3.14 पाई का मान होता है 3.14 गुणित 50 × √3। इसको हम जब आगे हल कर देंगे तो इसका मान हमको प्राप्त होगा 0.055 एम्पियर, अर्थात यदि इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो 0.055 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी तो चुंबकीय सुई में जो विक्षेप पैदा होगा वो 30 अंश के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हम आंकिक प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब हम दो समांतर धारावाही चालकों से संबंधित एक और आंकिक प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न है अनंत लंबाई की दो समांतर तारों में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, दोनों तारों के बीच की दूरी स्मॉल आर है, दोनों तारों के बीच की दूरी स्मॉल है आर है, उनके ठीक मध्य बिंदु पर उनके ठीक मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की
तीव्रता ज्ञात कीजिए। दो कंडीशन में ज्ञात करना है, जबकि उनमें प्रवाहित धारा की दिशा कैसा हो, समान हो तथा विपरीत हो। पहली स्थिति है समान दिशा में हो और दूसरा विपरीत। प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। प्रश्न में दिया गया है कि दो अनंत लंबाई के चालक तार हैं, I धारा प्रवाहित हो रही है उसमें, दोनों के बीच की दूरी स्मॉल r है, तो दोनों के बीच मध्य बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। दो स्थिति में ज्ञात करनी है। सबसे पहले धारा की दिशा समान हो, तो पहला पन ले लेते हैं, जब धारा की दिशा समान हो, एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही हो, तो ए बी और सी डी दो चालक तार है, दोनों के बीच की दूरी प्रश्न में दिया हुआ है क्या है, स्मॉल आर है, दोनों में आई धारा प्रवाहित हो रही है प्रश्न में दिया हुआ है, मान लो दोनों के बीच बिंदु P है, मध्य बिंदु इसका P है, तब बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, ए बी और सी डी दो चालक तार है, दोनों में धारा की दिशा एक है, दोनों के मध्य बिंदु ये स्मॉल, इसको हम पी के द्वारा व्यक्त किए हैं यहाँ पर, इस बिंदु पी पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम चालक ए बी के कारण देखेंगे, हम निकाल रहे हैं धारा की दिशा समान है, चालक AB के कारण, चूंकि चालक AB में I धारा प्रवाहित हो रही है हमको पता है, तो चालक AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, AB के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, हम इसको B1 के द्वारा व्यक्त करते हैं, तो B1 बराबर होगा 10 रेस पावर माइनस 7 टू आई अपान आर बाई टू। चूंकि हमको मालूम है, क्या मालूम है, कि b इक्वल टू होता है म्यू जीरो बटे फोर पाई टू आई अपान डी बेवर प्रति मीटर स्क्वायर। धारावाही चालक के कारण जिसमें आई धारा प्रवाहित होती है, डी दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान इतना होता है। यहाँ पर चूंकि बिंदु P की स्थिति ए बी से कितनी दूरी पर है, R बाई टू, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R बाई टू है,
चित्र में साफ दिखाई दे रहा है, मध्य बिंदु है, इसलिए दूरी क्या हो गया, आर बाई टू हो गया, या बी वन बराबर हो गया टेन रेस्ट पावर माइनस सेवन फोर आई बटे आर बेवर प्रति मीटर का स्क्वायर। इसकी दिशा क्या होगी, दाहिने हाथ की हथेली के नियम के मुताबिक धारा की दिशा ये है, तो उंगलियां क्या बताती है, उस बिंदु को शो करती है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगी, तो यहां पर बी वन की दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी, यहां पर क्या होगा ब्लैक बोर्ड के अंदर ऐसा लंबवत अंदर की ओर होगा बी वन की दिशा। इसी प्रकार चालक सी डी के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, हम इसको बी टू के द्वारा व्यक्त करते हैं, तो बी टू बराबर हो जाएगा टेन रेस्ट पावर माइनस सेवन टू आई अपान आर बाई टू, क्योंकि इसमें बी बहने वाली धारा का मान आई है, या बी टू इक्वल टू हो जाएगा टेन रेस्ट पावर माइनस सेवन फोर आई बटे आर बेवर प्रति मीटर का स्क्वायर। तो ये हम बी वन निकाल लिए और बी टू भी हमको प्राप्त हुआ, बी टू बराबर मिला दस का घात ऋण सात फोर आई बटे आर। बी टू की दिशा क्या होगी देख लीजिए, दाएं हाथ के हथेली के नियम के मुताबिक धारा की दिशा इस डायरेक्शन पे है, तो निश्चित तौर पे जो बी वन की दिशा होगी अभी लंबवत बाहर की ओर होगी, या कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी, अर्थात यहाँ पर इसको अपन लिख लेते हैं बी टू संकेत में, इसको इस रूप में ऐसा व्यक्त किया जाता है, अगर बाहर की ओर है तो ऐसा, अंदर की ओर है तो क्रॉस और रॉन्ग। इस प्रकार ए बी के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी वन और सी डी के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी टू, दोनों को देखिए दोनों बराबर है लेकिन दोनों की दिशा विपरीत है, इसलिए बिंदु P पर परिणामी तीव्रता ए बी बराबर हो जाएगा B1 माइनस B2, या B बराबर म्यू जीरो बटे फोर पाई फोर आई बटे आर माइनस म्यू जीरो बटे फोर पाई इंटू फोर आई बटे आर, या इसको अपन म्यू जीरो बटे फोर पाई को अपन लिख सकते हैं दस घात ऋण सात, दस घात ऋण सात के रूप में हमने लिया है तो ऐसे ही लिख लेते हैं, इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य हो जाएगा जब धारा की दिशा समान हो। अब देखते हैं जब धारा की दिशा विपरीत हो, यहां पर अब हम धारा की दिशा को क्या कर देते हैं, विपरीत कर देते हैं, दूसरी स्थिति है ए बी चालक
सी डी चालक, इसमें तारा की दिशा इधर है, इसमें तारा की दिशा यह है, बिंदु ए पी है, दोनों के बीच की दूरी स्मॉल आर है। ए बी के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी वन बराबर हो जाएगा म्यू जीरो बटे, या इसको अपन 10^7 के रूप में ले लेते हैं, 10^7 2i/r/2 सेम वैसा ही, या बी वन बराबर हो जाएगा 10^7 ये r/2 है, 4i/r बेवर प्रति मीटर का स्क्वायर, ये बी वन हो गया। इसकी दिशा क्या होगी, अभिलंबवत अंदर की ओर होगी, नीचे की ओर होगी। इसी प्रकार से सी डी के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, इसको अपन बी टू ले लेते हैं, तो बी टू बराबर हो जाएगा 10^7 2i/r/2 सेम वैसे ही, या बी टू बराबर हो जाएगा 10^7 4i/r बेवर प्रति मीटर स्क्वायर। इसकी दिशा देख लीजिए, इसकी दिशा यहाँ पर ए बी वन की दिशा है, बी टू की दिशा भी अभिलंबवत अंदर की ओर होगी, धारा की दिशा ये है, आप लगाकर देख सकते हैं दाहिने हाथ की हथेली के नियम के मुताबिक। तो हम बी वन और बी टू दोनों निकाल लिए, इस प्रकार बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता, दोनों की दिशा एक है इसलिए आपस में जुड़ जाएंगे, B=B1+B2 या B=10^7 4i/r प्लस 10^-7 4i/r या B=हो जाएगा 10^-7 8i/r बेवर प्रति मीटर का स्क्वायर। तो ये मान हो जाएगा कब, जब धारा की दिशा विपरीत हो, तो इस प्रकार से, और इसकी दिशा क्या होगी, परिणामी की दिशा भी अभिलंबवत अंदर की ओर होगी, या बुक में आप कहेंगे तो अभिलंबवत नीचे की ओर होगी, ए बी की परिणामी जो दिशा है। इस प्रकार से आज हमने इस प्रज्ञा धारा मापी के परिवर्तन गुणांक का अध्ययन किया, उससे कुछ संबंधित एक प्रश्न हल किया। धन्यवाद।